इस वक्त हम लखनऊ के आईनॉक्स मॉल में हैं, जहां पर सिया फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही है। हम बता दें कि सिया फिल्म जो है वो कुछ ही समय में बड़े पर्दे पर आने वाली है। मनीष मुंद्रा जो हैं वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। इस वक्त इस आईनॉक्स मॉल में जो आप पीछे देख सकते हैं, ये स्क्रीन नंबर 3 है। यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग करी जाएगी फिल्म की, और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। आगे की ओर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत देर से लोगों को इनका इंतज़ार था, पर अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है। कुछ ही वक्त में जो स्क्रीनिंग है वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। हमारे साथ इस वक्त सिया फिल्म के डायरेक्टर मनीष मुंद्रा सर हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर से तस्वीरों में कि यहाँ पर जो मनीष मुंद्रा हैं वो अपने सभी फैंस के साथ फ़ोटो खिंचवाते नज़र आ रहे हैं। किसी फैंस को नाराज़ नहीं कर रहे हैं। ये लखनऊ का आईनॉक्स मॉल है, जहाँ पर फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही है, और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो है यहाँ बहुत सारे फैंस हैं जिनके पास मनीष मुंद्रा साहब तसे मौजूद हैं, और साथ साथ सभी के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर देखिए, तस्वीर थोड़ा खिंचवा लेने देते हैं, फ़ोटोज़ लोग ले रहे हैं, उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि हमारी बात हो सके। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि लगातार जो भीड़ है, लगातार जो फैंस हैं वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और लगातार जो है वो भीड़ बढ़ती जा रही है। मनीष सर, आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नवाबी ने अवध की राजधानी लखनऊ में आपका बहुत सारा स्वागत। थैंक यू सो मच। लखनऊ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही जल्द आपकी फिल्म सिया आने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कॉन्सेप्ट है, व्यूअर्स को क्या कुछ मिलने वाला है देखने के लिए? ये फिल्म बहुत सच्चाई से रूबरू कराएगी, और ये फिल्म एक 17 वर्षीय लड़की के संघर्ष की कहानी है। उसके साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय के खिलाफ वो लड़ना चाहती है, और उस दौरान जब वो लड़ाई कर रही है और उस सफ़र पर चलती है, तो उसके साथ क्या क्या गुजरता है, कितनी तकलीफ़ होती है, और परिवार वालों पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है। जो अन्य पिक्चर्स हैं और ये पिक्चर है, कितना इम्पैक्ट करने वाली है सोसाइटी पर? सर, मेरे हिसाब से बहुत इम्पैक्टफुल फिल्म बनी है। मैंने बनाई इसलिए मैं तो अच्छा ही कहूँगा, आप लोग देखें इसको फिर आपका व्यू दें। पर मुझे लगता है कि समाज में आज ऐसी फिल्मों की भी ज़रूरत है। ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट के लिए भी फिल्में, बट ऐसी फिल्में की भी ज़रूरत है जो सच्चाई दर्शाती है, जो हमें ज़िंदगी से रूबरू कराती है कि सच क्या है ज़िंदगी का, और वो देखना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहना भी और समझ रखना भी बहुत ज़रूरी है। सर, इस में आईनॉक्स मॉल में हम लोग हैं, थोड़े ही समय में स्क्रीनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लगातार जो क्राउड है, लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। फिल्म कब तक रिलीज़ होगी? 16 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। 16 सितंबर? हाँ, बस। तो देख सकते हैं कि सर हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि जो फिल्म है ये पूरी तरीके से समाज में इम्प्रूवमेंट का काम करेगी, वुमेंस को लेके एम्पावरमेंट का भी काम करेगी, और 16 सितंबर को ये जो फिल्म है ये सिनेमाघरों में लग जाएगी, जहां पर आप इसे देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी विशाल कुमार के साथ अनुराग तिवारी, न्यूज़ टेक लखनऊ।